हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं अभी यहाँ से निकल रहा था पालड़ी विस्तार से, तो पालड़ी से वीएस हॉस्पिटल जाने वाले रास्ते पे रिवर फ्रंट फुटपाथ पे अभी मैंने देखा काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। तो बहुत ही यहाँ पे भीड़ थी, तो मैंने देखा जाके तो एपीटी करके एक यहाँ पे था जो नेहा बेन चलाते हैं यहाँ पे, तो मैंने देखा वहाँ पे। तो अपने चलते आगे, ज़्यादा जानकारी लेते हैं उनसे और आपको बताते क्या है और पूरी जर्नी उनकी बताते हैं आपको। सो गाइस, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ नेहा बेन के पास, और यहाँ पे रिवर फ्रंट रोड पे पालड़ी से लेके वीएस हॉस्पिटल वाले रोड पे उनकी टी स्टॉल है जो छोटी सी स्टार्ट की हुई है अभी। हाँ। और उनकी जर्नी के बारे में हम ज़्यादातर जानेंगे। तो नेहा बेन, आपकी जर्नी में कैसे, ये आपने कैसे स्टार्ट ये स्टार्ट करने का? हाँ, मैं पहले से ही थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ कि मैं टीचर थी गांधीनगर की आईसीएसई बोर्ड में। अच्छे से लाइफ जा रही थी, फैमिली बहुत मस्त चल रही थी। 30 साल के बाद मेरा खुद का मकान हुआ था महुआ में। पहली बार हम खुद के मकान में रहने जाने वाले थे और लोन 10 बजे पास होने वाली थी, और 5 बजे मैं जैसे बस में बैठी और गवर्नमेंट बस से जाते हुए मेरा ट्रक के साथ उसको टक्कर लगाते हुए एक्सीडेंट हो गया। मैं बस, मेरी जो सीट थी उतनी ही जगह फट गई, मैं बस से पूरा नीचे चली गई, मेरी पूरी सीट और मैं बस से पूरा नीचे गिर गए। और आपको ये जब हुआ तो इसकी साइड से गवर्नमेंट में भी आपको कुछ सुविधा मिली? आज तक मैंने किसी का नेगेटिव पॉइंट कभी नहीं बोला है, पर आज जब मैं सुबह से एएमसी की तरफ से, कॉरपोरेशन की तरफ से, यहाँ के सिक्योरिटी की तरफ से प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ, सुबह से मैं 1 घंटा रो चुकी हूँ कि मुझे हटाने आ रहे, हटा लो टेबल, तुम वायरल हुई हो, तुम्हें यहाँ नहीं खड़ा रख सकते। तो आज मैं इसकी वजह से बोल रही हूँ कि मैंने गवर्नमेंट से कुछ भी हेल्प नहीं मांगी है। गवर्नमेंट में एक्सीडेंट होते समय 2.5 लाख से 4 लाख तक की हेल्प मिलती है और वो मेरा हक है जो मैंने लड़के झगड़ के मांगा नहीं है। मैं एज अ गुजरात की सिटीजन हूँ, मुझे मिलना चाहिए, जो मुझे नहीं मिला है। तो आज ये टी स्टॉल की वजह से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, और मैंने आज पहली बार नेगेटिव बोला है, वरना मेरा बुरा करने वालों का कभी मैं नेगेटिव बोलती भी नहीं। ये नेगेटिव नहीं है, आपको जो फेस हो रहा है वही आप बता रहे हो, राइट? और गाइस, कहने का मतलब यही है कि हमारे देश में ऐसा बोला जाता है कि देसी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और ऐसे सब बहुत सारे स्लोगन निकलते हैं, मगर उस पर कुछ हो नहीं रहा है, राइट? सही बात है। मेरे किस्से में बता रही हूँ मैं, एक्सीडेंट हुआ, चलो शायद उस टाइम पे उन लोगों को पता नहीं होगा, लोगों ने डोनेशन किया, उसमें भी बहुत मेरा वीडियो वायरल हुआ था, एचआर के हेल्प, एनजीओ, बहुत सारे लोगों ने किया था, इवन जय वसावड़ा साहेब ने भी मेरा पोस्ट रखा था। तो उस टाइम पे भी सबको पता था कि इस बेटी की बहुत खराब कंडीशन है। उस टाइम पे तो चलो पैसे की मैटर थी तो किसी ने हेल्प नहीं किया, पर आज तो मैं मेहनत करके इधर तक पहुंची हूँ। 7 दिन में मुझे 7,000 लोग मिलने आए हैं, जो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। तो आज आपके माध्यम से मैं गवर्नमेंट को, सीएम सर को, हेल्थ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सबको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, दो हाथ से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज मुझे थोड़े से दिन के लिए खुश रहने के लिए समय दे। और आपको मतलब क्या ऐसे मोटिवेशन कैसे मिला कि आपको टीच करो? हम जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वैसे कम्युनिटी रहती है, वैसे हमारी पूरी एमप्यूटी कम्युनिटी है, जिनके किसी भी तरीके से हाथ या पैर काटने पड़े हो उनको बोलते हैं एमप्यूटी। तो मैंने सोचा कि हम एक्सीडेंट से आज तक, जुलाई 2021 से आज 1.5 या 1.5 साल में मैंने जो सहा है वो मेरे जैसे कितने भी एम्प्यूटीज सह रहे हैं। एम्प्यूटीज की, नॉर्मल लोगों की लाइफ और एम्प्यूटीज की लाइफ के बीच का डिस्टेंस सबको पता चले, उसकी वजह से मैंने एम्प्यूटी चालू किया है। यानी ये एक गैस में बोल सकता हूँ कि अपनी
तरक्की करने के लिए कुछ तो ऑप्शन चाहिए, आगे वो प्राइवेट टीचर दे, बट अब तो उनके पास जॉब नहीं होगी, राइट? आपके पास जॉब नहीं होगी, तो ये एक ऑप्शन था उनके पास जो उन्होंने स्टार्ट किया। और आपका यानी कितने टाइम से ये यहाँ पे स्टार्ट किया? मेरा आज 7वां दिन है, 7 डे वर्क हुआ है, और 7 दिन में लोगों का बहुत सपोर्ट है, इसकी वजह से आप मुझे पहचान पाए। जी उनको कांटेक्ट मिला था दिनेश भाई से, जो दिव्य भास्कर में थे पहले, अभी नहीं है, बट उनके थ्रू हमको कांटेक्ट मिला था, तो हमने सोचा कि चलो अपने जाए वहाँ और उनकी हेल्प भी करें, थोड़ी हिम्मत देने के लिए। वीडियो जरूरी नहीं है पर हिम्मत मिली मुझे उसके लिए, आपका और दिनेश भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस अपने यहाँ पे चाय पे चर्चा भी करेंगे और थोड़ा और लॉन्ग में ले जाएंगे वीडियो। तो गाइस अपने देखा कि एक हमने गूगल सर्च भी किया था कि एम्प्यूटी मतलब एम्प्यूटी टी स्टॉल, जिससे एम्प्यूटी टी स्टॉल मीन्स के जो विकलांग लोगों के लिए विकलांग लोगों जो वर्क करते हैं उसके रिलेटेड होता है, तो हमने देखा था अभी तक का कोई ऐसा टी स्टॉल ओपन नहीं हुआ है। आई थिंक गुजरात का पहला ऐसा एम्प्यूटी वुमन जो विद प्रोस्थेटिक अपना टी स्टॉल चला रही है, राइट? तो हमने देखा गूगल में भी बहुत सी सर्च किया और आपने देखा वीडियो में जो नेहा बहन टी बना रहे और अभी हम करते हैं थोड़ा चाय पे चर्चा। ये जो कप है, ठीक है, ये कैसे आपको? एक्चुअली मैं तो वैसे रूल के हिसाब से ही जाना चाहती हूँ, गवर्नमेंट रूल के हिसाब से, गवर्नमेंट है तो अपने है ऐसा मानते हैं, तो गवर्नमेंट ने पेपर कप बैन किए हैं, ये हमको महंगे मिल रहे हैं, पर फिर भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जाते हुए हम ये कप पे सबको चाय दे रहे और लोग खुशी खुशी कुल्लड़ का नाम सुन के हमने इसको प्लस पॉइंट बना दिया, तो पीने आ रहे और अच्छे अच्छे रिव्यू भी दे रहे हैं। और गाइस आप कुल्लड़ चाय में आप देख सकते हो, जैसे कि ये कुल्लड़ चाय है उनकी, जैसे ये कुल्लड़ में उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है, मगर टेस्ट कुल्लड़ चाय में ज़्यादा आता है, जैसे अपने पेपर कप में चाय पीते हैं और ये इसमें टी पीते हैं तो बहुत फर्क पड़ता है, तो मुझे तो लगता है बहुत ही अच्छा है, कॉन्सेप्ट भी अच्छा है और टेस्ट भी अच्छा है चाय में। पुदीना वाली चाय मिल रही है आपको, अदरक पुदीना इलायची से भरपूर और मेरा प्यार। तो गाइस मैंने यहाँ पे कब से देख रहा हूँ मैं यहाँ पे टी तो नया बहन ने बनाई बहुत सारा है, मगर उनके मदर है, फादर है और एक भैया है, वो भी उनको बहुत हेल्प कर रहे हैं, तो मतलब आपको फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा है। फैमिली सपोर्ट 110% है, मैं पूरा दिन ऐसे इस प्रोस्थेटिक के साथ नहीं रह सकती, इसका 10 kg वेट है और मेरा राइट लेग पूरा दिन बहुत पेन करता है, तो कभी मैं बैठती हूँ उठती हूँ तो इसकी वजह से सारा काम मम्मी पापा करते हैं, और चाय जब मैं नहीं बना पाऊँ कभी कभी हाथ जल जाते हैं, आज ही जली हूँ मैं, तो ये हरीश भाई है जो बाजू में रहते हैं, पानी की बॉटल बेचने जाते हैं, वो मुझे ऐसे ही फ्री में रोज चाय बना बनाना सिखा भी रहे हैं। ह्यूमैनिटी के हिसाब से वो एक हेल्प कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा है, मैं तो थैंक यू बोलता हूँ जो जो आपकी हेल्प कर रहे हैं उनको भी, और मैं आपको इतना सपोर्ट कर सकता हूँ कि भाई बन सकता है उतनी वीडियो आपकी वायरल कर सकते हैं अपने, और आपको हमारे से जो भी हेल्प चाहिए होगी आप हमको जरूर से बताइए। और कभी भी गाइस यहाँ से आप रिवर फ्रंट साइड से निकल रहे हो, वीएस हॉस्पिटल पालड़ी विस्तार से निकल रहे हो या अटल ब्रिज के पास आ रहे हो, तो जरूर से यहाँ पे आइए एम्प्यूटी टी स्टॉल पे, और आप हमको जरूर से बताना आपको कैसा लगा यहाँ पे। नेहा बहन तो टी सबको बना के पिला ही रहे, 7 वर्किंग डेज हुए अभी,
मगर बहुत ही लोगों ने उनके वहाँ की चाय पी ली है। अराउंड 7000 लोग मेरे यहाँ पे वीडियो फोटो देख के दूर दूर से आ रहे हैं सिर्फ मुझे हिम्मत देने के लिए। और मैं तो बोलता हूँ इतना होने के बाद भी अगर कोई लेडीज जेंट्स होता तो समझ सकते थे, मगर लेडीज ये वर्क करने के लिए आगे बढ़े तो फिर उनको सपोर्ट करना ही चाहिए। अब गुजरात की पब्लिक को आज तक मैंने कुछ भी सपोर्ट नहीं मांगा, आज पहली बार बोल रही हूँ कि मुझे इतना सपोर्ट करो कि रोज जो मुझे ये गवर्नमेंट की साइड से एएमसी की साइड से कॉरपोरेशन की साइड से प्रॉब्लम आ रही है वो ना आपके सपोर्ट की वजह से मुझे ये जगह थोड़े टाइम के लिए दे और मुझे हटाए नहीं यहाँ से। आपका सपोर्ट रहेगा तो मैं जरूर कर पाऊंगी। जरूर से हमारे पब्लिक आपको सपोर्ट करेगी। हाँ। बट आपके साइड से भी होना चाहिए सब जगह, और पब्लिक को इतना होना चाहिए कि नहीं हमको चाय पीनी है तो फिर एमपीटीटी स्टॉल पे ही जाना पड़ेगा। नहीं आएंगे, एक बार चाय पियेंगे तो जरूर आएंगे आप यहाँ। वो कहते हैं ना एक बार आए या एक बार आए तो बार बार आए, ऐसा हो जाना चाहिए। पक्का सच में। तो हमको नेहा बहन से बात करके बहुत अच्छा लगा, तो थैंक यू नेहा बहन, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और हम भी हमारे से जो हेल्प हो सकती है वो सब करेंगे आपको। तो गाइस हमारा पास कस्टमर रिव्यू माटे मैं आया था, तो भाविन भाई साथे थे। તો ભાવિનભાઈ કેટલા ટાઈમથી તમે અહીંયા આવે છે? હું છેલ્લા અહીંયા 3-4 દિવસથી આવું છું અને મને સોશિયલ મીડિયા દ્વારા અહીંયાનો વિડીયો મળ્યો હતો અને હું અહીંયા નજીકમાં જ રહું છું તો હું ત્યાંથી આવ્યો છું અને ચા બહુ જ સરસ છે બેનની અને ખરેખર બેનનું જે પરિસ્થિતિ જોઈને લોકોને પ્રેરણા મળે છે અને મને તો બહુ બધી મળી છે તો હું છેલ્લા 4 દિવસથી અહીંયા ત્યાં રેગ્યુલર ચા પીવા માંડ્યા અને બહુ સારી ચા છે કે 10 રૂપિયામાં સપોઝ કુલર ચાની અંદર આપણને પીવા મળે છે, જે પાણીની બોટલ બી મોંઘી આવે છે એનાથી સસ્તી ચા છે અને બહુ સારી ચા. આપણે 10 રૂપિયાની અત્યારે પાણીની બોટલ લેવા જાવ તો તમને 10 રૂપિયામાં પડે છે પાણીની બોટલ, એના સામે તમને કુલર ચા આપણને આદુ પુદીનાવાળી આપણને કુલર ચા મળે છે તો સારું છે અને એક એક્વિટી કોમ્યુનિટી માટે સારું એવો મેસેજ બી છે એમના માટે કે ભાઈ જે લોકો આવી રીતના પોઝિશનમાં છે અને જે નથી કરી શકતા તો આપણે તો એવું કહીએ કે એને આ શરૂઆત કરી છે તો બહુ જ સારું છે અને કરવું જ જોઈએ આવી રીતના અને બેનને સપોર્ટ કરવો જ જોઈએ, તો આપણે બધા મળીને આવી રીતના સપોર્ટ કરીશું. 100%.